ये कंटिन्यू लिखा है। गुड मॉर्निंग, आप सब लोगों को नमस्कार। हम लोगों की इंडक्शन ट्रेनिंग जो है काफी दिनों से चल रही है। आई थिंक हम लोगों ने 19 जुलाई को शुरू किया हुआ था और ये मेहंदास से अभी करीब 10वां दिन आ गया होगा। आप लोगों ने अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स के साथ जो है इस बीच में बातचीत की हुई है। कल आप लोगों ने आईसीटी के संबंध में जो सीआईटी की हेड हैं और प्रोफेसर हैं वहाँ पे इंदु कुमार जी, उनसे आपने बातचीत की थी। और बट जो आपकी अटेंडेंस का जो स्टेटस है, जैसे अभी इस समय 312 लोग जुड़े हुए हैं, तो हम जो है अपनी जो अपना इफेक्टिवनेस मानते हैं तो वो हम मान के चलते हैं कि लगभग 1000 टीचर एजुकेटर्स थे जिनको कि जो है इस ट्रेनिंग में आना चाहिए था, बट जो है अभी 352 लोग जुड़े हुए हैं। दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली जो हमारा इम्पैक्ट है वो लगभग 35% है। अदरवाइज अगर अच्छा इम्पैक्ट होता तो जो है अगर अच्छा इम्पैक्ट होता तो अब तक जो है 60-70% लोगों को यहाँ होना चाहिए था। तो इम्पैक्ट जो है जो कम आ रहा है, जो कम दिखाई दे रहा है, वो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी भी एक कारण हो सकती है। हम लोग स्वयं में जो है कई बार जो है हमें 2 बार सेशन कैंसिल करने पड़े, डिलेड करने पड़े जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। सो इट मे बी बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, इट मे बी बिकॉज कि हमारा डिलीवरी अच्छा नहीं है, कंटेंट अच्छा नहीं है। और हमने आप लोगों को अभी 2 डेज बैक हमने आपके जितने भी सब्जेक्ट वाइज ग्रुप बने हुए हैं उन सब में हमने आप लोगों से बातचीत की थी और हमने आपसे बोला हुआ था कि अगर आपको कोई चीज लगती है कि यहाँ पे जो है अभी इन एरियाज को कवर करना चाहिए या जो एरियाज कवर किए गए हैं उसमें लगता है कि नहीं, जो एक्सपर्ट थे उन्होंने जो चीजें साझा की हुई हैं उसमें अभी कहीं कोई सुधार की आवश्यकता है, उसमें और इनरिचमेंट करने की आवश्यकता है या कोई नई चीज जानने की आवश्यकता है, वो आप अगर आप हमें बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। तो बहुत कम मेहनत से 10-15 लोगों का मेरे पास मैसेज आया हुआ था कि नहीं सर आप इस चीज में हमें और ओरिएंट कीजिए तो हमें हमारे काम को करने में सुविधा होगी। सो दिस वॉज ऑल, मतलब जो पुराना हमने अभी तक 10 दिन जिस तरह से हमने गुजारे हैं, 10 दिन में हमने जिस तरह से अलग अलग फील्ड्स के लोगों से बातचीत की हुई है उसका एक समअप था। आपकी जो अटेंडेंस है वो हम जो यहाँ पे देख रहे हैं वो ये बता रही है कि मैक्सिमम जो है करीब 750 के आसपास लोग एक टाइम पे जुड़े होते हैं और जो मिनिमम है वो तो करीब 300 के आसपास है। तो इस चीज को हम रिफ्लेक्ट कर रहे थे। आज जो है जो हम लोग बातचीत करने वाले हैं वो एससीईआरटी ने जो अब तक जो है टीचर्स ट्रेनिंग पे काम किया हुआ है, टीचर्स ट्रेनिंग मॉड्यूल्स पे काम किया हुआ है उस पर बातचीत करने वाले हैं। इसमें मैं और दीपा आज मिलके बातचीत करेंगे कि हमने जो है कोई ट्रेनिंग डिजाइन जो है क्यों बनाया, क्या उद्देश्य था और कौन कौन से ट्रेनिंग डिजाइन्स हैं जिसपे हम लोगों ने पास्ट 4-5 ईयर्स में काम किया हुआ है। तो इसपे जो है एक सामान्य तौर पे चर्चा पर चर्चा ही होगी क्योंकि ये हमारा अपना काम है जो कि हम लोगों ने इस बीच में किया हुआ है। तो मैं जो है इसपे बातचीत करूंगा और निश्चित तौर पे आप
बीच में जो भी आपके सवाल होते हैं उन सवालों को जो है आप हमें पोस्ट करते रहिएगा, सो दैट कि हम जो है आपकी ये क्यों नहीं आ रहा है तमीर? अच्छा पहले से है, तो सॉरी। तो हाँ ठीक है, तो आज जो है जो इन सर्विस टीचर्स ट्रेनिंग है हो गया थैंक यू ओके डन। तो जो बातचीत कर रहे थे वो ये थी कि ये तुम्हारा बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, हमने उसको मिनिमाइज कर दिया है तो अपना देखो ठीक है। तो आज की जो बातचीत है वो जो हमारे इन सर्विस टीचर्स ट्रेनिंग मॉड्यूल है वो कौन से सीआरटी ने बनाए हैं, क्यों बनाए हैं, इस पे जो है बातचीत करेंगे। और इस पे बातचीत करने पे ये कि आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम हम ट्रेनिंग को ही जो है अलग अलग नामों से यहाँ पे बातचीत करते हैं। सम टाइम वी से टीचर्स ट्रेनिंग, सम टाइम वी से कैपेसिटी बिल्डिंग, है ना। एक तरह से नाम आप कुछ भी लेते हैं बट ऑब्जेक्टिव जो है आप देख रहे होंगे एक ही जगह जाता है, इम्पावरिंग टीचर्स, है ना। ये भी उसी का एक नाम है बट सेंस थोड़ा सा अलग जाता है। फिर होता है शेयरिंग ऑफ नॉलेज, व्हेन यू शेयर ए नॉलेज नो डाउट जो है आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, आप इम्पावर्ड होते हो आपका जो है। और जब हम शेयर करते हैं नॉलेज तो सामान्य तौर पे हमारी इच्छा क्या होती है, सेम होती है जो ट्रेनिंग में होती है। ट्रेनिंग में हम क्या करते हैं, हमारा जो डिजाइन है मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये चाहते हैं कि जो हमने डिजाइन तैयार किया हुआ है एग्जैक्टली इसका रेप्लिका जो है सब जगह होना चाहिए, है ना। जैसे हमने जो एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बनाया हुआ है हम उसी हिसाब से आपको ट्रेन करना चाहते हैं कि आप जो है बिल्कुल उसी तरह से स्कूल में बिहेव करें, उसी तरह से क्लासरूम में बिहेव करें। जैसे आपने इसका अगर बहुत छोटा सा एग्जाम्पल अगर ले, बहुत जो व्यवहारिक एग्जाम्पल है, हम लोग जो है पेट्स को ट्रेन करते हैं और हमारी इच्छा क्या होती है, हमारी इच्छा होती है कि वो हमारे हिसाब से व्यवहार करें। वो हमारे हिसाब से अगर मैं हाथ बढ़ाता हूं तो वो हमसे हैंड शेक करें, अगर हम उनको कोई इशारा करते हैं तो वो उसी तरह से रिएक्ट करें। तो एग्जैक्टली सेम तरीके का जो है बिहेवियर चेंज हम जो है पेट्स में देखना चाहते हैं, जो हम सिखाना चाहते हैं। इसी तरह से जो टीचर्स ट्रेनिंग है ये भी एक तरह से बिहेवियर चेंज है। सभी की इच्छा होती है कि सभी क्लासरूम में एक ही तरह की प्रोसेसेस होती हुई दिखाई दे। लोगों का मानना रहता है कि ये जो प्रोसेस है जो काफी रिसर्च के बाद, काफी एक्सपीरियंस के बाद इफेक्टिव मानी गई है, तो लोगों को लगता है कि इसी तरह की अगर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हर क्लासरूम में होगी तो बच्चों का जो लर्निंग है वो थोड़ा सा अच्छा होगा। तो इसलिए जो है सबकी इच्छा रहती है कि ट्रेनिंग होनी चाहिए, टीचर्स ट्रेनिंग होनी चाहिए। उसकी जगह पे कैपेसिटी बिल्डिंग इज समथिंग ए लिटिल बिट डिफरेंट। कैपेसिटी बिल्डिंग ये कहती है कि नहीं, ये जो है एग्जैक्टली सेम बिहेवियर नहीं करेगा, हम इसकी कैपेसिटी को बिल्ड करेंगे और ये अपना बिहेवियर खुद तय करेगा। हम कैपेसिटी बिल्ड करेंगे, इस पे आ जाएंगे, हम जो है कैपेसिटी बिल्ड करेंगे और इसका बिहेवियर जो है अपने आप तय। सो नाउ द पॉइंट इज कि जो है यहाँ पे एक लिटिल शिफ्ट आ रही है और लिटिल जो शिफ्ट है वो ये कह रही है कि हम जो है टीचर्स का नहीं, ये तो 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 नहीं,
इसको बंद कर, इसको कहां से हम करेंगे, ये कैसे करेंगे? पीपीटी को लिख शेयर, पीपीटी को उसको बंद कर, इसको ऊपर नीचे कैसे करेंगे? नेक्स्ट कैसे होगा? और आगे पीछे 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 आगे, हाँ हाँ, इसके बाद नेक्स्ट। तो यहाँ पे जो है ट्रेनिंग जो है बिल्कुल हमें वही रखो ना, हम लोग टेस्ट नहीं करेंगे तो आगे कहाँ से बने। ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग आपसे कहती है पहली पे आओ ना, हाँ, ट्रेनिंग जो है आपसे कहती है कि सेम बिहेवियर है ना, जैसे पेट्स को करते हैं ना, तो ये जो है बिहेवियर जो है यहाँ पे ये कॉपी होगा। जबकि उसी जगह जो कैटसी बिल्डिंग है ये कहती है कि नहीं, बिहेवियर कॉपी नहीं होगा। यहाँ पे वो कहता है कि यहाँ पे आपका जो है कैपेसिटी बिल्ड कर दी जाएगी, आपको मैथमेटिक्स सिखा दी जाएगी, लेकिन मैथमेटिक्स को कैसे डिलीवर करना है ये आपको खुद तय करना है। और जो है नेक्स्ट आता है एम्पावरिंग टीचर्स। एम्पावरिंग का अर्थ है कि नाउ आई विल, हम इस तरह का अरेंजमेंट करेंगे कि आप एम्पावर्ड हो, हम जो है ये कैपेसिटी बिल्डिंग में हम एरियाज तय कर देते हैं, हम ये तय कर देते हैं कि कौन कौन से एरियाज होंगे। और एम्पावरिंग होता है जहां पे हम आपको बिल्कुल खुली छूट देते हैं, हम कहते हैं यू एम्पावर योरसेल्फ, नाउ यू आर द किंग, नाउ यू डिसाइड कि किस चीज को पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, स्कूल को कैसे चलाना है, स्कूल का टाइमिंग क्या रखना है, स्कूल का ड्रेस कोड क्या रखना है। सो टीचर इज एम्पावर्ड है ना, ही इज जस्ट बिहेव्स लाइक ए किंग है ना, सॉरी, हाँ तो इस तरह से जो है जो empowering है, that is about empowering, like you are a king and sharing of knowledge is a midway between taxi building and यहाँ से इट्स अ लिटिल बिट जो है बीच की बात है जहां पे शेयरिंग ऑफ नॉलेज है, दिस इज बिटवीन ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग एंड एम्पावरिंग है ना, यहाँ पे भी पूरी छूट है। लर्निंग अपॉर्चुनिटी, दिस इज द बिगेस्ट स्फीयर है ना, इससे बड़ा कोई दूसरा स्फीयर नहीं है। लर्निंग अपॉर्चुनिटी मीन्स नाउ यू आर ओपन फॉर ऑल काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन, all kind of strategy development, all kind of administrative development। तो ये जो है एक बड़ा एरिया है जहां पे आपके लिए पूरा environment है, एक लर्निंग environment है जो कि आपको जो है बेटर परफॉर्म करने के लिए आपको जो है अपॉर्चुनिटी देता है। स्किल डेवलपमेंट इज ए पार्ट ऑफ ऑल दिस, जहां पे हम लोग ये कहते हैं कि हमें जो है अलग अलग तरह की स्किल्स जो है सीखनी है, और वो ट्रेनिंग में भी आता है, वो कैपेसिटी बिल्डिंग में भी आता है। जब आप, हम आपको एम्पावर करते हैं तो भी आप जो है बहुत अलग अलग तरह की चीजें सीखते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है लर्निंग अपॉर्चुनिटी,
हमें सामान्य तौर पे ये मानना भी चाहिए कि हमारे लिए कभी लर्निंग के दरवाजे बंद नहीं होते हैं, हमेशा लर्निंग के दरवाजे खुले हुए हैं और हमें जिंदगी भर लर्न करते रहना चाहिए, है ना। अगर हम इस चीज को भूल जाएंगे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, ये चीज आपके इन सर्विस ट्रेनिंग से रिलेटेड नहीं है, बट हम इसको जो है इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि बहुत बार हमने जब बातचीत की हुई है टीचर्स के साथ, टीचर एजुकेटर्स के साथ, तो वो कहते हैं कि हम अच्छा कैसे कर सकते हैं, ट्रेनिंग से अकेले अच्छा नहीं होता है, हमें ये चीजें चाहिए, अगर हमें अच्छा डाइट बनाना है, वी वॉन्ट ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स, है ना, तब अच्छा होगा, सिर्फ ट्रेनिंग से अच्छा नहीं होगा। तो उस चीज को रिफ्लेक्ट करने के लिए जो है हमने इस पेज को, इस स्लाइड को तैयार किया हुआ है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट लगता है, विच इज वेरी इजी टू, मतलब उसको वेरी इजी टू से एंड वेरी इजी टू डिमॉन्स्ट्रेट इज कि मेरी पोजीशन बदल जाएगी तो मैं सीन बदल दूंगा। जैसे आपसे कोई कहे कि आप अपना स्कूल कब बदलेंगे, तो कोई भी आदमी कहेगा आप हेडमास्टर बनूंगा तब करूंगा, मैं डाइट प्रिंसिपल बनूंगा तब करूंगा, मैं जब क्लास टीचर हो जाऊंगा तो मैं इस कक्षा को ठीक कर दूंगा, है ना। तो एक पोजीशन का इशू रहता है, ये हमेशा सबके दिमाग में आता है, मेरी पोजीशन चेंज हो जाए मैं सब कुछ बदल दूंगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। आपने देखा होगा पोजीशन चेंज होने के बाद भी परिवर्तन बहुत मिनिमल आते हैं, लेकिन दिमाग में सबके होता है और सबको लगता है कि पोजीशन बदल जाए मैं तस्वीर बदल दूंगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो सबको लगता है, फिजिकल रिसोर्सेज सबको दिखाई देते हैं, मेरे स्कूल में, मेरी डाइट में, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिटोरियम नहीं है, फील्ड नहीं है, फुटबॉल की फील्ड होती तो जो है मैराडोना मेरे स्कूल का होता, है ना, मेरे यहाँ जो है अगर लॉन टेनिस होता तो जो है फेडरर मेरे स्कूल का होता, या जो है मेरे स्कूल में जो है प्रोजेक्टर नहीं है, लैब नहीं है, ये बहुत सारी चीजें हमेशा हमें लगने लगती हैं कि फिजिकल रिसोर्स हो जाए ना तो काम बन जाएगा। और नो डाउट फिजिकल रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसको एक जो है लर्निंग से हटके एक एग्जांपल दूंगा, जैसे आपने देखा होगा जो पुराने हमारी कथाएं हैं, कहानियां हैं, उसमें आपने या हमारे बहुत महाकाव्य हैं जिसमें जैसे महाभारत है उसमें कहा गया है इम्पावर्ड कौन होता था, जिसको ब्रह्मास्त्र मिल जाता था। तो अगर ब्रह्मास्त्र किसी को दे दिया तो ब्रह्मास्त्र क्या था, फिजिकल रिसोर्स था, फिजिकल रिसोर्स हो गया तो वो जो है जो योद्धा होता था वो सूरवीर हो जाता था, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता था, उसको लगता था नाउ ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइटर, है ना। किसी को जो है चक्र मिल जाता था, किसी को गांडीव मिल जाता था। ये फिजिकल रिसोर्स की इंपॉर्टेंस को बताने के लिए मैं इन उदाहरणों को ले रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन फिजिकल रिसोर्सेज सब कुछ नहीं होते। आपने देखा होगा इवन महाभारत के युद्ध में बहुत सारे लोगों के पास फिजिकल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा थे बट दे कुंड यूज इट प्रॉपरली, है ना। वो जो है रणबांकुरे जो है अपने युद्ध भूमि में जो है अपना प्रदर्शन अच्छा नहीं कर पाए, फिजिकल रिसोर्सेज बहुत अच्छे थे, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उसके मॉरल को बढ़ाता है। इसी तरह से दूसरा फिजिकल रिसोर्स है ह्यूमन रिसोर्स, है ना। एक देश की सेना अगर दूसरे देश की सेना कह दे हम आपका साथ देंगे तो आपको लगने लगता है कि यस नाउ आई कैन डू एनीथिंग। इसी तरह से जो है आपको लगता है कि जैसे आपके स्कूल में जो है 250 बच्चे हैं और आप अकेले सिंगल टीचर स्कूल में काम करते हैं, अगर आपको चार टीचर और मिल जाए तो आपको तुरंत लगता है नाउ आई कैन परफॉर्म, है ना। एक टीचर मिल जाता है तो भी लगता है कि अब तो बढ़िया है, अब तो मैं कर सकता हूँ, पहले तो मैं सिर्फ ये कर सकता था। या आपकी डाइट के जो हालात रहे हैं अभी विगत कुछ सालों में, सबको लगता था कि डाइट में जो है 1 2 3 4 मतलब यही एक स्ट्रेंथ थी, मोर आर लेस चार, एवरेज चार जो है लेक्चर हुआ करते थे। तो नो डाउट परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो सकती, वी नीड ह्यूमन रिसोर्स,
है ना, एज ए डाइट प्रिंसिपल हमें रिसोर्स चाहिए, हमें एज ए शिक्षक प्रशिक्षक भी चाहिए, क्योंकि हमारे बोर्ड लोड ज्यादा है, हमें 200 बच्चों को एक साथ पढ़ाना पड़ रहा है। अगर हमारे यहाँ लेक्चरर्स का नंबर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, हम 30-30 बच्चों को एक साथ पढ़ाएंगे, हम 40-40 बच्चों को एक साथ पढ़ाएंगे, तो हमारी ट्रेनिंग का इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, हमारा इम्पैक्ट ज्यादा हो जाएगा, मीन्स हम इम्पावर्ड हो गए, अब हम ज्यादा ट्रांसफर कर पा रहे हैं, ज्यादा टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस क्या एक्सपीरियंशियल नॉलेज हम बच्चों को दे पा रहे हैं, तो ये क्या होगा, हम इम्पावर्ड हुए। कैसे इम्पावर्ड हुए, ह्यूमन रिसोर्स के कारण इम्पावर्ड हो गए। पहले हम क्या हो रहे थे, हम फेल कर रहे थे, क्यों, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं था, हमारी इफेक्टिविटी 200 बच्चों को एक टीचर पढ़ा रहा था, 100 बच्चों को एक टीचर पढ़ा रहा था, इफेक्टिविटी क्या थी, ऑलमोस्ट जो है बहुत कम आ जाती थी, तो हमें बहुत खराब लगता था कि हमारा इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। आज की डेट में अब आप लोगों का ह्यूमन रिसोर्स बढ़ गया है, सो नाउ यू हैव टू सो दैट इम्पैक्ट इज इंक्रीजिंग। इसी तरह से होता है लर्निंग न्यू थिंग्स, है ना, इम्प्रूवमेंट अगर आपको अपनी परफॉर्मेंस में करना है तो आपको नई चीजें सीखना है, जैसे अभी पीछे बातचीत कर रहे थे लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, सो लर्निंग न्यू थिंग्स दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये ऊपर वाली चीजें अगर एक भी ना हो, आपके पास पोजीशन भी ना हो, आपके पास फिजिकल रिसोर्सेज भी ना हो, आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज भी ना हो, तो इस जगत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लर्निंग की दम पे, है ना, उनके पास इतने अच्छे जो है स्ट्रेटजीज उन्होंने लर्न की, इतना अच्छा कंटेंट लर्न किया, इतना अच्छा डिलीवरी प्रोसेस लर्न किया कि उन्होंने जो है कम रिसोर्स में, कम जो है अपनी उनकी पोजीशन एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने पूरा सीन बदल दिया। ऐसे टीचर से आप मिले होंगे, ऐसे लोगों से आप मिले होंगे समाज में जिनके पास सिर्फ लर्निंग थी और लर्निंग के दम पे उन्होंने सारा कुछ चेंज कर दिया। क्यों, वो लगातार नई चीजें सीखते रहे। जो आदमी नई चीजें लगातार सीखता रहता है वो निश्चित तौर पे बड़ी से बड़ी चीजों के सलूशन निकाल देता है, और वो सलूशन बहुत छोटे होते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, व्हेन आई वाज डीआईओएस 20 इयर्स बैक, तो मैं एक स्कूल में गया और उस स्कूल में पिन ड्रॉप साइलेंस था, जबकि फील्ड में बच्चे ही बच्चे दिखाई दे रहे थे, और वो सिंगल टीचर स्कूल था। मैंने उस टीचर से पूछा कि आपने तो बड़ा अच्छा मैनेज कर रखा हुआ है, हाउ यू हैव मैनेज्ड, तो उसने मुझे बताया कि साहब मैं इन सबको इंगेज रखता हूं, मैंने पांचों क्लासेस अलग अलग बिठा रखी हैं, मैदान में बिठा रखी हैं, सबको काम देता हूं, सबका काम चेक करता हूं, और उसमें यह भी नहीं था कि उसको पता हो कि नहीं आज इंस्पेक्शन होने वाला, विदाउट दिस, क्योंकि तो फील्ड में था, मैदान जंग उसका तो बाहर से दिखाई दे रहा था कि एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस काम चल रहा है। तो उसने क्या स्ट्रेटजी सीख रखी थी, बच्चों को इंगेज करने के तरीके सीख रखे थे। सो माय पॉइंट इज कि हमें जो है लगातार नई चीजें सीखने से जो है भागना नहीं चाहिए, है ना, अपना जो ब्रेन का ये सीखने वाला एंगल है ना, हमें ऑन रखना चाहिए। मोटिवेशन टू परफॉर्म, दिस इज वंडरफुल थिंग, मतलब मैं तो ये कहूंगा ऊपर की चारों चीजें ना हो आपके पास, पोजीशन भी ना हो, रिसोर्सेज भी ना हो, चाहे ह्यूमन हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे लर्निंग भी ना हो, अगर बंदे के पास मोटिवेशन है, आई हैव टू परफॉर्म, तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपके पास मोटिवेशन टू परफॉर्म है तो आप जो है कोई ना कोई तरीका निकाल लोगे कि जो है आपका जो है परफॉर्मेंस दिखाई देने लगेगा। और ऐसे लोगों को आपने बहुत देखा होगा, है ना, वो जो है मोटिवेशन होगा तो लर्निंग भी कर लेगा, मोटिवेशन होगा ह्यूमन रिसोर्स जो है इकट्ठा कर लेगा, है ना, उन्हीं बच्चों को टीचर बना देगा। अभी मैं एक लोगों का एक्सपेरिमेंट पढ़ रहा था, नवाचार पढ़ रहा था, बेसिकली वो प्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने बच्चों को कैसे इस्तेमाल किया हुआ है, बच्चों को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कैसे इस्तेमाल किया हुआ है। मैं कई बार डाइट के लोगों के साथ जब बातचीत करता हूं तो भी मैं उनको बोलता हूं कि आपके डाइट में
ऐसे बच्चे एडमिशन ले रहे हैं जो बीटेक करके आए हुए हैं, ऐसे बच्चे एडमिशन ले रहे हैं जो एमसीए करके आए हुए हैं, पीएचडी करके आए हुए हैं, यूज देम एज अ रिसोर्स। अगर आपके अंदर मोटिवेशन होगा ना तो यू विल यूज देम एज अ रिसोर्स, नॉट फॉर ओनली अदर स्टूडेंट्स, बट यू विल यूज दैट रिसोर्स फॉर इवन योर ओन लर्निंग। मुझे एक टीचर ने बताया कि मैंने कैसे अपने बच्चों से ही कंप्यूटर सीख लिया। तो ऑब्वियस है, बीटेक करके बंदा आ रहा है कंप्यूटर साइंस में और आपके यहाँ प्रशिक्षु शिक्षक है, आप उससे सीख सकते हो। आपके अंदर अगर मोटिवेशन है आप उसी से सीखोगे और बाकी लोगों को सिखा दोगे। तो मोटिवेशन टू लर्न ना, मोटिवेशन टू परफॉर्म, ये आपसे कुछ भी करा सकता है। ऊपर की कोई चीज ना हो आपके पास तो भी आप नए तरीके निकाल लोगे। सो प्लीज ऑलवेज बी मोटिवेटेड कि हमें परफॉर्म करना है। और ये परफॉर्मेंस का जो मोटिवेशन होता है ये कभी किसी के लिए नहीं होता है। डोंट थिंक कि ये कभी, ये जो है डाइट प्राचार्य के लिए हम मोटिवेशन, अगर मेरा ये है कि डाइट प्राचार्य खुश हो जाए तो आपका परफॉर्मेंस जो है दो चार दिन में गिरने वाला है। क्यों? डाइट प्राचार्य तो जो है चार पांच दिन में खुश हो ही जाएंगे। अगर आपका मोटिवेशन है कि जो है मैं डायरेक्टर एससीईआरटी को जो है अपना एफर्ट दिखा करके जो है उनको प्रसन्न कर दूंगा तो मोटिवेशन बहुत छोटा है, क्योंकि उनके तक भी न्यूज जो है महीने दो महीने में पहुंची जाएगी। अगर ये मोटिवेशन फॉर सेल्फ है, यू आर सेल्फ मोटिवेटेड और आपको लगता है कि आई एम द ओनली किंग और ये जो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ दिस इज फॉर माई सेल्फ, तो ये मोटिवेशन आपको ताउम्र आपके साथ रहेगा और आपको ऐसी जगह ले जाएगा जहां आपने कभी सोचा नहीं होगा। हम यहाँ पे बातचीत कर रहे थे लर्निंग न्यू थिंग्स एंड मोटिवेशन टू परफॉर्म। आपने देखा होगा कि हम सीखें क्यों, सीखने से फायदा क्या होगा, क्यों ट्रेनिंग करें, ट्रेनिंग करके क्या होगा, तनख्वाह तो बढ़ेगी नहीं, हम तो जो है 6 साल या 8 साल या 10 साल में एसीपी मिलने हैं, उसके बाद जो है दूसरी एसीपी मिलनी है, फिर तीसरी एसीपी मिलनी है या प्रमोशन होना है तो 10 साल बाद होना है। लर्न करने से क्या होगा, वो तो जो सीनियरिटी होती है उससे मिलती है। व्हाट्स लर्निंग, क्यों लर्न करना चाहते हैं, तो लर्निंग क्यों करनी है, फेसिंग न्यू चैलेंजेस, जिंदगी आपके सामने नए नए चैलेंजेस लेके आती और ये जो चैलेंजेस हैं ये आपके पर्सनल फ्रंट पे भी आते हैं, प्रोफेशनल फ्रंट पे भी आते हैं और पर्सनल फ्रंट में एक आपका स्वयं का फ्रंट है जिसमें आप एज ए ह्यूमन बीइंग फेस करते हो और एक सोशल है ना, जहां आप सामाजिक प्राणी के रूप में भी फेस करते हो। तो अगर आपने सीखा नहीं है तो आप जो है चैलेंजेस को फेस नहीं कर सकते। जैसे मैं उसको उदाहरण के रूप में बहुत सारे दे सकता हूं बट टाइम क्या हो रहा है। तो नई चीजें अगर सीखेंगे, सपोज करो कि आप फिजिक्स के बंदे नहीं हो बट आपको जो है फिजिक्स का एक आपने लॉ सीख लिया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ही सीख लिया और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सेज कि जो चीज जो है स्थिर है वो स्थिर बनी रहेगी, जो चल रही है वो चलती रहेगी जब तक कि उसमें कोई बाहबल ना लगाया जाए। ये जो है एक छोटा सा लॉ आपकी तकदीर बदल सकता है, आपकी जिंदगी के जो है काम करने की पद्धति को बदल सकता है। जैसे मुझे, अगर मैं ऑफिस में हूं अब यहां कौन सी चीज चल रही है और नहीं चल रही है मुझे देखना होता है, मैं देखता हूं कौन सा हमारा कर्मचारी है जो काम करता ही रहता है, कौन सा कर्मचारी है जो काम नहीं करता है। अब जो आदमी काम करता ही रहता है उस पर कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना इंश्योर करना है कि इस पर कोई घर्षण बल लगने ना पाए, कोई इसको डिमोटिवेट ना करने पाए। अगर कोई इसको डिमोटिवेट करेगा तो आप तुरंत खड़े हो जाओगे, क्यों? आपका उद्देश्य है कि ये हमारा कर्मचारी लगातार काम करता है, करता रहे, तो हमें उसके ऊपर कोई बल नहीं आने देना चाहिए, उसके ऊपर बल लगाने की जरूरत नहीं है, सेल्फ मोटिवेटेड है, खुद ही काम कर रहा है, चल रहा है, चलता रहेगा। आपको फोर्स कहां लगाना है, जो रुके हुए थे, जिनमें गति नहीं है, स्थिर है,
जड़ हैं, वहां पे फोर्स अप्लाई करना है। अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो आप समझ सकते हैं कि आपका ऑफिस कितना अच्छा चलेगा, आपका घर कितना अच्छा चलेगा। आपको देखना है आपका कौन सा बच्चा गतिशील है, कौन सा बच्चा स्थिर है ना। बाजार में जाते हो, दुकान में जाते हो, सब एक छोटा सा लॉ सीखते हो ना, उसका पूरे जिंदगी भर इस्तेमाल है। इसी तरह से मेकिंग लाइफ सेफ एंड सिंपल, आप चीजें अगर सीख लेते हो तो आपकी लाइफ सेफ हो जाती है, आप जो है समझदारी से काम लेने लगते हो। आपको एक फिर से मैं कहूंगा कि अगर न्यूटन का जो है आपने जो है लॉ ऑफ मोशन ही अगर सीख लिए हैं तो आपको तुरंत पता चल जाएगा आपकी लाइफ कब सेव है ना। घर्षण बल कब काम करता है, हमें चलते समय घर्षण बल का इस्तेमाल कैसे करना है, चिकने सरफेस पे चलना है तो कैसे चलना है। अगर चिकने सरफेस पे आप दौड़ के चलेंगे तो आप स्लिप कर जाएंगे और आपका जो है घुटना टूट जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सी लर्निंग है जो आपकी लाइफ सेव कर रही है। अगर आप सीखोगे नहीं तो आपकी लाइफ सेव नहीं होगी। इसी तरह से मल्टीटास्किंग, आप लर्निंग करते हो, नई नई स्ट्रेटजी सीखते हो, आप मल्टीटास्किंग करते हो, एक ही समय में आप कई काम कर लेते हो, कम समय में आप काम कर लेते हो, तो मल्टीटास्किंग जो है आपके, वो कहोगे कि साहब मल्टी, आप तो जो है व्यवहार गणित पढ़ा रहे हैं और हम स्कूल में क्या करें। आपने देखा होगा मल्टी ग्रेड टीचिंग, मल्टीलिंगुअल टीचिंग है ना, ये सारी की सारी चीजें जो है मल्टीटास्किंग है, ये आपके जो है टीचर्स ट्रेनिंग में आपके इस्तेमाल होने वाली है। अलग अलग लेवल के बच्चे आते हैं आपके यहाँ, एक मैथमेटिक्स स्ट्रीम से आता है, एक आर्ट्स स्ट्रीम से आता है, एक कॉमर्स स्ट्रीम से आता है, एक एग्रीकल्चर स्ट्रीम से आता है, और उन सबको आपको क्या करना है, उन सबको एक अच्छा टीचर बनाना है। कैसे बनाओगे, मल्टीटास्किंग करनी पड़ेगी, क्यों, वो मल्टी ग्रेड है, वो अलग अलग स्ट्रीम से आ रहे हैं, उनका ग्रेडिंग अलग अलग है, अलग अलग स्टेटस है उनका। नाउ यू हैव टू डिजाइन मल्टी ग्रेड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, है ना। एक बंदा है जिस जो हिंदी में ही पीएचडी करके आया है और एक बंदा है जो कि जो है एग्रीकल्चर पढ़ के आया है, अब उसके बीच में हिंदी का सामंजस्य बिठाना है। आप एक मैथमेटिक्स से पीएचडी करके आया है, एक जो है कंप्यूटर में बीटेक करके आया है, और जो है एक हिंदी पढ़ के आया हुआ है, अब हिंदी पढ़ के आया हुआ है उसको भी गणित सिखानी है, और जो बीटेक करके आया है उसको भी गणित सिखानी है, कि पढ़ाओगे कैसे स्कूल में। सो मल्टीटास्किंग आपको जो है सीखनी है। कैसे सीखोगे, लर्न करोगे तब सीखोगे, नई नई चीजें सीखोगे तभी आप इस काम को कर पाओगे, बेटर रिसोर्स मैनेजमेंट है ना। अगर आप सीखोगे तो रिसोर्स मैनेजमेंट सीखोगे, जैसे आप, मैंने आपको बोला था ना, जो सबसे पहले हम लोग बातचीत कर रहे थे कि आपके पास जो है ह्यूमन रिसोर्स भी अच्छा हो, आपके पास फिजिकल रिसोर्स भी अच्छा हो। जैसे हमने महाभारत का एग्जाम्पल दिया था कि कौरवों के पास ह्यूमन रिसोर्स भी बहुत अच्छा था, उनके पास फिजिकल रिसोर्स भी बहुत अच्छा था, बट दे लॉस्ट द बैटल। बट व्हाई दे लॉस्ट द बैटल, क्योंकि उनके पास जो है बेटर रिसोर्स मैनेजमेंट पर्सन नहीं था, उनके पास कृष्ण नहीं था। कृष्ण वॉज द सिंबल ऑफ बेटर रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, है ना, उनके पास जो है ये चीज नहीं थी। तो इसलिए हमको ए बेटर रिसोर्स मैनेजमेंट बनने के लिए, आपको कृष्ण बनना है, ए बेटर रिसोर्स मैनेजमेंट मैनेजर बनना है, तो वो अगर आप बन जाएंगे तो आप जो है ऊपर वाली चीजें नहीं भी होंगी तो भी आप काम करा ले जाएंगे, बेटर आउटकम्स। हर आदमी की इच्छा करती है मैं जो भी कुछ करूं मेरे जीवन का जो भी प्रतिफल हो वो बहुत अच्छा हो। मैं जीवन के प्रतिफल की बात कर रहा हूं, जबकि यहाँ पे हम लोग अभी टीचर्स ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। हमें हमेशा लगता है कि हमारे पढ़ाए हुए जो टीचर्स हैं वो बेहतर शिक्षक हों, हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हैं वो एक बेहतर नागरिक बने, वो अच्छा काम करें, हमारा नाम रोशन करें। हमें जो है वो कब होगा, when this better come will come, this better will come, when this better will come, this better will come only and only when you are continuously learning, learning to improve learning outcomes, learning to improve improving training outcomes. So this is our objective.
अब जो है अभी जो हम लोगों ने पिछले 5-6 सालों में जो हम लोगों ने काम किया हुआ है एससीईआरटी में, उसमें हम लोगों ने जो ट्रेनिंग डिजाइन की हुई है उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। हम लोगों ने कंटेंट नॉलेज में काम किया हुआ है ना, हमने ऐसे कोर्सेज बनाए हुए हैं, ट्रेनिंग के ऐसे पैकेजेस बनाए हुए हैं जो कंटेंट पे फोकस करते हैं। जैसे 6 से 8 में मैथ्स कैसे पढ़ाए, है ना, मैथ्स के बहुत सारे नए नए कंटेंट हैं जो कि कई बार होता है ना, आप लोग तो अभी नए पढ़ के आए हो तो आपको अभी बहुत सारी चीजें नई लग रही होंगी, बट हमारे यहाँ जो टीचर्स काम कर रहे हैं उनमें वो टीचर भी हैं जो 1984 में ज्वाइन किया है, जिन्होंने 1983 में ज्वाइन किया है, इवन दे आर स्टिल इन जॉब, और जब उन्होंने पढ़ाई की थी तो उनके टाइम में वेन डायग्राम नहीं पढ़ाया जाता था, उनके टाइम में ट्रिग्नोमेट्री बीएससी में हुआ करती थी, और अगर उन्होंने 8 स्ट्रीम के हैं तो उनको पढ़ाई नहीं होगा, या जिन्होंने हाई स्कूल या इंटरमीडिएट करके टीचिंग ज्वाइन कर ली थी तो उनको पता ही नहीं होता है। तो इस तरह से कंटेंट नॉलेज देना बहुत जरूरी होता है। तो हम एससीईआरटी ने क्या किया, जो है कक्षा 6 से 8 के लिए मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस जैसे सब्जेक्टों पे हमने जो है ट्रेनिंग डिजाइन की, है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे टीचर्स हैं जिन्होंने वो पढ़ाई नहीं है, तो पहले तो उनको कंटेंट सिखाते हैं, कंटेंट के बाद उसकी डिलीवरी सिखाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है, इसमें 3-4 मॉड्यूल्स हैं जो कि एससीईआरटी ने बनाए हुए हैं, अभी उन पे आगे बातचीत करेंगे। इम्प्रूवमेंट इन बिहेवियर, है ना, बिहेवियर इम्प्रूवमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारा बिहेवियर क्लासरूम में अच्छा नहीं होगा, हमारा बिहेवियर इंक्लूसिव नहीं होगा, हमारा बिहेवियर जो है सारे बच्चों के लिए मतलब एक उत्तम आचरण नहीं होगा क्लासरूम में, तो क्या होगा, बच्चे वही सीखेंगे जो हम करते हैं। देखिए बच्चे वो नहीं सीखते हैं जो हम बताते हैं, बच्चे वो सीखते हैं जो हम करते हैं। तो अगर आपका व्यवहार इंक्लूसिव नहीं है तो क्या होगा कि वो जो है, जैसे मैं जातिवाद करूं क्लास में कि जो है सवर्ण बच्चे इधर बैठेंगे, है ना, जो SC ST बच्चे हैं वो पीछे बैठेंगे, तो क्या होगा, हमारे बच्चे देखेंगे इस चीज को। या हम जब प्रार्थना करानी है और हमको बुलाना है कि जो है प्रार्थना के लिए 4 बच्चे निकल के आए, और अगर हमारी चॉइसेस जो है इंक्लूसिव नहीं है तो क्या होगा, बच्चे भी वही सीखेंगे कि अच्छा मास्टर साहब हमेशा लड़कियों को बुलाते लड़कों को नहीं बुलाते। तो इस पे ऊपर काम करने के लिए हमने एक इंक्लूसिव एजुकेशन का मॉड्यूल बनाया हुआ है, हमने एक हेल्थ एंड हाइजीन का मॉड्यूल बनाया हुआ है, और एक जो है इथिक्स एंड वैल्यूज का मॉड्यूल बनाया हुआ है। आप इन तीनों को मॉड्यूल को हम आपके साथ साझा करेंगे, कुछ लोगों के साथ हो सकता है ऑलरेडी साझा हो, आप इसको देखिएगा, इथिक्स एंड वैल्यूज, इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें हमने सारे तरह के इंक्लूजन की बात की है, जेंडर और लैंग्वेज और सारे मतलब सोशल इकोनॉमिक, है ना, और कल्चरल, रिलीजियस, रिलीजन, सब कुछ है, मतलब रीजनल, सब तरह की जो एक्सक्लूजन होते हैं उन पे बातचीत की गई है। इसे इथिक्स एंड वैल्यूज यू कैन अंडरस्टैंड बाय द नेम कि उसमें क्या बताया गया होगा। आप सोच रहे होंगे कि हेल्थ एंड हाइजीन को हमने इम्प्रूवमेंट इन बिहेवियर में क्यों रखा हुआ है, हमारे बहुत सारे टीचर्स जानते रहते हैं, हमारे बहुत सारी महिला टीचर जानती रहती हैं कि हमारे बच्चियों को जो कि एडोलसेंस एज में है और उनके साथ कौन सी समस्याएं हो रही हैं, लेकिन वो उस पर कभी बातचीत नहीं करते हैं, उनका बिहेवियर जो है सपोर्टिव नहीं होता है। तो उस सपोर्ट को सेंसिटाइज करने के लिए मॉड्यूल बनाया था, और आप इसको देखेंगे, इट्स वंडरफुल मॉड्यूल, जो कि आपके अंदर उस जो आपका डिस्टेंस है बच्चों के साथ, आप कैसे बातचीत करें उनके साथ, कैसे उनको सपोर्ट करें, उस पर मदद करता है। इसी तरह से फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ पे जो है हमारा एक मॉड्यूल है जिसको योगा कहते हैं, जिसपे हमने फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ पे काम किया है, और दूसरा भी लेटेस्ट एक मॉड्यूल है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का, जिसपे हमने फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ कैसे इंश्योर की जाए इन स्कूल एंड आउट ऑफ स्कूल, उस पर बातचीत की है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के ऊपर बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, लाइक अर्ली ग्रेड पे हैं सामान्य तौर पे, क्योंकि अर्ली ग्रेड पे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बाद के सालों में तो
कंटेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन शुरुआती सालों में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उस समय प्रोसेस खराब हो गया तो बच्चा वहीं से सीखना बंद कर देता है। और इसके बाद बहुत सारी रिसर्च है जो ये कहती है कि अगर बच्चे की लर्निंग 8 साल तक नहीं हो पाई, 8 साल तक अगर वो फ्लुएंट रीडर नहीं बना, 8 साल तक अगर उसने मैथमेटिकल जो मैथमेटिक्स की जो बेसिक्स हैं, प्री न्यूमेरिक एंड पोस्ट न्यूमेरिक जो ऑपरेशंस हैं, अगर वो नहीं सीख पाया है, नहीं उस पर अभ्यस्त हो पाया है, तो वो फिर लाइफ लॉन्ग नहीं हो सकता है, है ना। ये बहुत सारी स्टडीज है इसी को लेकर के, हमारे यहाँ करीब 2-3 जो है 3 मॉड्यूल शायद है इस पे जो कि आपके साथ भी साझा होंगे। इसी तरह से स्कूल मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, टीचर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्कूल में मैनेजमेंट के नाम पे सिर्फ टीचर्स है वहां पे, और कोई नहीं होता है, हेड टीचर भी होता है, उसको भी पढ़ाना रहता है। सो स्कूल मैनेजमेंट स्किल्स हम सिखाते हैं, इसका भी एक मॉड्यूल है जो कि हम लोगों ने न्यूपा के साथ मिलकर बनाया हुआ है। असेसमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और अगर असेसमेंट जो है गड़बड़ हो जाता है, असेसमेंट का प्रोसेस गलत हो जाता है, जैसे मैं आपकी अगर गलत चीज पे तारीफ कर दूं तो आप जो है गलत तरीके से मोटिवेटेड हो जाएंगे। अगर मैं ये आपने जो है किसी बच्चे को मार के आप आए, है ना, या किसी बच्चे को जो है आप उसको अपशब्द बोल के आए और हम आपकी तारीफ करें कि वंडरफुल, बढ़िया किया, ये जो है इस जाति के लोग या इस क्षेत्र के लोग या इस कल्चर के लोग या इस धर्म के लोग ऐसे ही होते हैं, इनके साथ ऐसे ही व्यवहार करना चाहिए, तो ये क्या होगा, गलत असेसमेंट हमने कर दिया, हमने गलत तारीफ कर दी उसकी, हमने गलत आदमी को अच्छा कह दिया है। अगर हमने गलत आदमी को अच्छा कह दिया है तो 4 लोग गलत चीजें सीख जाएंगे। मैंने उदाहरण तो जो है व्यवहारिक लिया है, लेकिन हमने असेसमेंट को लेकर के किस तरह से जो है इम्प्रूवमेंट किया जाए, इस पे कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन पे एक मॉड्यूल है, इसी तरह से लर्निंग आउटकम बेस्ड असेसमेंट कैसे करें, इस पे हमारे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं। और अभी लास्ट ईयर हम लोगों ने ऑस्ट्रेलियन काउंसिल के साथ मिलकर के लार्ज स्केल असेसमेंट कैसे करें उसका भी मॉड्यूल है, जिससे हम ये बताते हैं कि लार्ज स्केल असेसमेंट करना होता है तो कैसे कैसे काम करना चाहिए। और मेन दास ये डाइट के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यू ऑलवेज नीड टू बी इंगेज्ड इन लार्ज स्केल असेसमेंट, यू हैव टू सी कि आपके डिस्ट्रिक्ट में, ब्लॉक्स में लोग कैसे सीख रहे हैं। और डिफरेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन पे भी बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, ये मैंने डिफरेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमारे यहाँ प्रदेश में मदरसे भी चलते हैं, तो हम मदरसों के टीचर्स की भी ट्रेनिंग करते हैं। अभी लास्ट ईयर, लास्ट 2-3 ईयर्स बैक हम लोगों ने इस पे काम किया था। इसी तरह से समाज कल्याण विभाग है, उनके अपने स्कूल्स हैं, उन पे भी हम लोग काम करते हैं। तो ये जो है एक मोटा मोटा हमने बताया कि SCERT ने एक्चुअली में क्या क्या चीजें काम की हुई है, क्यों की हुई है। ट्रेनिंग एंड टीचिंग बिहेवियर चेंज, ये जो है हमारे सारे जितने हमने अभी बातचीत की हुई है, आगे जितने अभी हम आपको मॉड्यूल्स दिखाएंगे, उनकी डिलीवरी में जो है एक हम लोगों ने सी चेंज लाया है, जो कि आपको ओवर द कंट्री आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, फुटकर फुटकर में चीजें मिलेंगी, बट SCERT UP इन 4 चीजों को जो आपको दिखाई दे रही है, इनको जो है ये मॉड्यूल कोई भी हो, मॉड्यूल इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इट कैन बी EGR मॉड्यूल, इट कैन बी न्यूमरेसी मॉड्यूल, इट कैन बी सोशल साइंस मॉड्यूल, इट कैन बी लर्निंग आउटकम्स ट्रेनिंग मॉड्यूल, इट कैन बी असेसमेंट मॉड्यूल, एनी मॉड्यूल। 4 जो है हमने चेंजेस जो है यूनिवर्सल किए हुए हैं, और आप इन 4 चेंजेस का इम्पैक्ट स्कूल में देख सकते हैं आज की डेट में। और वो ये है कि सीटिंग प्लान कैसा होना चाहिए, हम ट्रेनिंग देते समय इस चीज को बहुत ध्यान रखते हैं, सीटिंग प्लान कैसा है, सीटिंग प्लान कैसा होना चाहिए, सीटिंग प्लान ऐसा होना चाहिए जिसमें जो है इंपॉर्टेंट ट्रेनर नहीं है। कौन इंपॉर्टेंट है, हम सब इंपॉर्टेंट है, हम सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सब के पास नॉलेज है, और ये नॉलेज तभी बढ़ेगा जब नॉलेज शेयरिंग होगी। नॉलेज शेयरिंग कैसे ज्यादा होगी, जब हम ग्रुप में बैठेंगे, हम जो है जितने भी तरह के ट्रेनिंग होती है सब में लोगों को ग्रुप में बिठाते हैं,
है ना, पांच पांच छह छह सात सात आठ आठ टीचर्स के ग्रुप में बिठाते हैं, है ना। वो जो है ट्रेनर सेंट्रिक नहीं होता है, ट्रेनर को देख करके कोई ट्रेनिंग नहीं होती हमारे यहाँ, सारी की सारी ग्रुप में ट्रेनिंग होती है। तो इसका फायदा ये होता है कि आप आपस में बातचीत करके बहुत सारा लर्न करते हो, पीयर लर्निंग करते हो, है ना। कई बार होता है ट्रेनर का लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा है, ट्रेनर का स्टाइल नहीं समझ में आ रहा है, ट्रेनर का जो है जो प्रोनंसिएशन है वो समझ में नहीं आ रहा है, तो हमारे लोग मदद कर देते हैं कि अरे वो ये कह रहे हैं, या हमारे साथी कुछ लिख रहे हैं, हम देख के, कई बार लोग देख के ज्यादा सीख जाते हैं, किसी और ने लिखा हुआ उसको पढ़ के समझ जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ सीटिंग प्लान हम चेंज कर देते हैं, और ये सीटिंग प्लान अब स्कूलों में चेंज दिखाई देने लगा है। क्यों? हम ट्रेनिंग में चेंज कर रहे हैं, वही स्कूल में दिखाई देने लगता है। दूसरा है टीचिंग लर्निंग मेटीरियल प्लान। ये हमारे यहाँ के सीआरटी की ट्रेनिंग का एकदम स्पेशल कंपोनेंट है। हम जो है, आपने जितने भी प्रकार की स्कूल्स देखे होंगे, जितने भी प्रकार की ट्रेनिंग देखी होंगी, सारा का सारा मेटीरियल टीचर की टेबल पे होता है या ट्रेनर की टेबल पे होता है, और वो जादू की तरह दिखाता रहता है ना, जादू करता है, एक एक्सपेरिमेंट करता है, देखा ये जो है इसका वॉल्यूम कोन के वॉल्यूम से, बेलन का वॉल्यूम कोन के वॉल्यूम से 1/3 है। अब ये तो जादू है ना, क्योंकि जादू के दोनों मेटीरियल आपके पास है, तो यहाँ पे लर्निंग नहीं होती है। हमने जो है एससीईआरटी में इस चीज को चेंज कर दिया है, हर ग्रुप के पास मेटीरियल होता है और ट्रेनर के पास कोई मेटीरियल नहीं होता है। और ये आपके साथ इसलिए साझा कर रहा हूं कि बहुत सारी डाइट में परिवर्तन कुछ हुए होंगे, बट आप आज की डेट में सारे के सारे नए लोग आ गए हैं, तो आपको जानना बहुत जरूरी है कि ट्रेनर की टेबल पे कोई मटेरियल नहीं है, सारे लर्नर की टेबल्स पे मटेरियल है, हर ग्रुप के पास उतना ही मटेरियल है जितना एक ट्रेनर के पास होना चाहिए था। अब जो है ट्रेनर को भी अगर कुछ दिखाना है तो वो किसी ग्रुप में जाएगा और वहां की टेबल से उठा के मटेरियल दिखाएगा, सो दैट दे नो कि जो जादू की पोटली मेरी टेबल पे है उसी पोटली का इस्तेमाल जो है हमारे ट्रेनर कर रहे हैं, एंड नाउ दे कैन यूज एन एक्सपेरिमेंट, है ना। तब उनको लगेगा कि ये ठीक है, मतलब मामला बराबर का है, अदरवाइज क्या लगता है कि अरे इनके पास जो जैसे काला जादू हम लोग देखने जाते थे ना, तो लगता था कि इसके पास जो जादू की पोटली है वो मेरी वाली जादू की पोटली से डिफरेंट है। तो ये अंतर करना है, और यही अंतर स्कूल में दिखना चाहिए। टीचर की टेबल पे कोई टीएलएम नहीं होना चाहिए, टीएलएम का कोई कॉर्नर नहीं होना चाहिए, टीएलएम किसी कॉर्नर पे नहीं रखा होना चाहिए, टीएलएम बच्चों के बीच में होना चाहिए, टीएलएम बच्चों चार बच्चों के बीच में होना चाहिए, टीएलएम आठ बच्चों के बीच में रखा होना चाहिए, टीएलएम किसी कोने पे नहीं रखा होना चाहिए। मैं जब भी बातचीत सुनता हूँ टीएलएम कॉर्नर, रीडिंग कॉर्नर, है ना, ऐसा कोई कॉर्नर नहीं हो सकता है, कोई कॉर्नर किसी को सिखा नहीं सकता है, बच्चों के बीच में मेटीरियल रखा होगा वो सिखा सकता है। तो ये सेकेंड जो है पैराडाइम शिफ्ट है, जो कि अब तक जितना आपने सुना होगा उसमें एससीईआरटी ने ये इनग्रेंड किया हुआ है। तीसरा है रिसोर्स पर्सन मूवमेंट। रिसोर्स पर्सन आपने जितनी भी ट्रेनिंग देखी होंगी या भविष्य में अभी देखोगे, क्योंकि एक दिन में परिवर्तन नहीं होता है, अभी आपके इसके लक्षण जो है दिखाई देंगे, अभी ये आदतें आपको दिखाई देंगी। ट्रेनर जो है हमेशा एक डायस पे बैठता है, क्यों? डायस पे बैठने से उसकी इमेज बढ़ती है, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, लोगों को लगता है कि अब मैं सम्मानित हूं, अब मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूं, ये जो सामने टीचर्स बैठे हैं उनसे मेरा नॉलेज बढ़ा है, इसलिए मैं डायस पे हूं। जो आदमी डायस पे बैठता है वो ज्यादा नॉलेजेबल होता है, वो ज्यादा पावरफुल होता है, वो ज्यादा स्किलफुल होता है। इसको हम लोगों ने तोड़ा है रिसोर्स पर्सन मूवमेंट करके। हमारा रिसोर्स पर्सन डायस पे नहीं बैठता है, हमारा रिसोर्स पर्सन उन ग्रुप्स के बीच में मूवमेंट करता है और उन्हीं ग्रुप्स के बीच में बैठता है, इज अ पार्टिसिपेंट। वो भी एक ग्रुप में बैठ के उसी एक्टिविटी को कराता है या करता है जिसको करने को वो बोलता है, वहां बैठता है, वो देखता है कि लोग कर रहे हैं, उसमें थोड़ी मदद भी करता है, बातचीत भी करता है, सिर्फ ऑब्जर्वर की तरह नहीं बैठता है, इवेल्युएटर की तरह नहीं बैठता है, मॉनिटर की तरह नहीं बैठता है। तो ये जो है एक चेंज किया हुआ है। और जितने भी रिसोर्स पर्सन है वो एक टाइम पे, जैसे चार रिसोर्स पर्सन है तो वो चार अलग अलग ग्रुप के साथ बैठ के काम करते हैं, तो इससे क्या होता है, एक समरसता आती है, थोड़ा ये भी लगता है कि यस नाउ वी कैन डू, है ना, हम लोग एक जैसा जानते हैं,
हम लोग एक जैसा कर सकते हैं और लर्निंग आसान हो जाती है, थोड़ा भाईचारा भी होता है, तो पीयर लर्निंग की तरह फिर वो आसानी से जाता है। एक्टिविटी डिजाइन, एक्टिविटी डिजाइन जो है ये आपने भी देखी होंगी कि हम लोग हमेशा कहते हैं गतिविधि आधारित शिक्षण होना चाहिए। गतिविधि आधारित शिक्षण तो होना चाहिए बट गतिविधियां कैसी होनी चाहिए, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। गतिविधियां जो है एक कमरे में बंद करके भी की जा सकती है, गतिविधियां दो लोगों के साथ भी की जा सकती हैं, गतिविधियां आठ लोगों के साथ भी की जा सकती हैं और बहुत सारी गतिविधियां 30-35 लोगों के साथ भी की जा सकती हैं। हमारा डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि कुछ एक्टिविटीज तो ऐसी होनी चाहिए जो सबके साथ एक जैसी हो, एवरीवन इज पार्टिसिपेटिंग एंड एवरीवन इज लर्निंग। अगर आप इस तरह की एक्टिविटी डिजाइन करते हो ना, एवरीवन इज पार्टिसिपेंट, एवरीवन इज एक्टर भी वही पे है, सब सारे एक्टर भी हैं, सारे लर्नर भी हैं, सारे एक्ट कर रहे हैं और सारे लर्न कर रहे हैं, वाओ, है ना। जैसे प्रोड्यूसर्स एंड क्या बोलना चाहिए, लोगों की जो प्रेफरेंसेस को लेकर के हमने एक दो एक्सरसाइजेज आप इंक्लूसिव एजुकेशन में देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि लोग प्रेस्टीज एंड प्रिविलेज को कैसे एक्टिविटी बनाई गई है जिसको देख के हम ही सब एक्ट कर रहे हैं और बाद में एक्टिविटी के दौरान ही लगने लगता है कि नहीं मिस्टर एक्स बहुत प्रिविलेज्ड हैं, है ना, इनका परिवार बहुत बढ़िया है इसलिए इनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी अच्छी है, दिखाई देने लगता है। सो इस टाइप की एक्टिविटीज को हमें डिजाइन करना चाहिए। अब जो है अभी हम शुरुआत में जो बातचीत कर रहे थे कि ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, एम्पावरमेंट और बहुत सारी चीजों पे हम लोग बातचीत कर रहे थे, बट हमने जो है वहां पे ट्रेनिंग को जो है बहुत अच्छा नहीं माना था। हमने कहा था ट्रेनिंग तो पेट्स की होती है, ऑब्वियसली ट्रेनिंग जो जिस तरह की हम लोग बातचीत कर रहे थे वो ट्रेनिंग तो पेट्स की होती है कि उनका बिहेवियर जो है, जब हम किसी का बिहेवियर ट्रेनिंग करने लगते हैं तो वो पेट्स की तरह हो जाता है, वो जो है थिंकर नहीं होता है, वो इम्पावर्ड फील नहीं करता है, वो उसकी कैपेसिटी बिल्ड नहीं होती है। हमें ट्रेनिंग देनी है। अब किस चीज की ट्रेनिंग देनी है वो आपकी स्क्रीन पे है। हमें ट्रेनिंग किस चीज की देनी है, ट्रेनिंग माइंड टू थिंक। हमें बड़ा काम करना है यहाँ पे, है ना। हमें जो है ट्रेनिंग इस चीज की नहीं देनी है कि आपको पढ़ाना कैसा है, नो। हमें ट्रेनिंग ये नहीं देनी है कि आपको ईजीआर पढ़ाते समय क्या क्या करना है, नहीं, बिल्कुल नहीं देना है। हम ये भी नहीं बताना चाहते हैं कि आप जो है क्लासरूम में जाएंगे तो पहले क्या करेंगे, बाद में क्या करेंगे, बीच में क्या करेंगे, टीएलएम कैसे इस्तेमाल करेंगे, नो, ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता है। किसी टीचर एजुकेशन सेंटर का ये ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता है कि हम पेट्स की तरह बिहेवियर चेंज लाए, नो। हमारा ट्रेनिंग है ट्रेनिंग माइंड टू थिंक। हमें माइंड को जो है, माइंड इस शरीर का एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सबसे पावरफुल टूल है और ये पावरफुल टूल है और ऐसा टूल है, इसकी स्पेशलिटी ये है कि अगर इससे आप कोई सवाल ना पूछो, डोंट आस्क एनी क्वेश्चन टू योर माइंड, ये आपको कोई उत्तर नहीं देने वाला है। आप कुछ मत पूछो इससे, पूछो ही मत, बैठे रहो, दिन भर आइडल बैठे रहो। लोग कहते हैं साधना करो, है ना, तो आप साधना वाले मोड में बैठ जाओ, आपका दिमाग कुछ नहीं सोचेगा, कुछ नहीं सोचेगा और वो कुछ करेगा भी नहीं, नो सोल्यूशन एट ऑल, है ना। माइंड जो है कुछ भी नहीं करेगा, आपके किसी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं देगा। लेकिन यही माइंड, आप इससे कुछ भी पूछो, आप पूछो कि ये जो है बच्चा नेत्रहीन है, इसको कैसे पढ़ाया जाए, ये सवाल आपने पूछा भर नहीं कि ये ब्रेन जो है आपको 10 तरीके बताएगा। ये संभव है कि उन 10 में से कुछ तरीके काम आए कुछ ना आए, ये तो संभव है, क्योंकि दैट डिपेंड्स ऑन चाइल्ड, चाइल्ड की जो है परिस्थितियों पे डिपेंड करेगा, लेकिन तरीके बताएगा आपको। आप जो है ब्रेन से पूछो कि जो है मुझे डाइट प्रिंसिपल साहब को खुश करना है, वो आपको 10 तरीके बताएगा, है ना, कि डाइट प्रिंसिपल साहब को जो है परफ्यूम जो है वो वाला पसंद है ना, इनको जो है देसी गाय का घी पसंद है, जाओ 1 किलो लाके दे दो, इनको बुके बहुत पसंद है,
इनको पैर छुआना बड़ा अच्छा लगता है, आपका माइंड कम से कम 20 सोल्यूशन देगा। अगर आप अपने माइंड से पूछोगे कि मुझे चोरी कैसे करनी है या चोरी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, जैसे ही आप पूछोगे माइंड से मुझे चोरी करनी चाहिए, मैं एग्जाम में जो है नकल मार लूं, तो तुरंत कहेगा नहीं नहीं मारनी है। सवाल पूछोगे जवाब देगा, वो कहेगा नहीं नकल नहीं करना चाहिए। आप पूछो नहीं वो अच्छा है या बुरा है, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, मुझे नकल करनी है तरीके बताओ, तो आपको तुरंत बताएगा कि कॉलर में छुपा के ले जाओ, है ना, जूते में, जूते के मोजे में छुपा के ले जाओ, है ना, अपनी जो है शर्ट के पीछे लिख लो, है ना, पुर्ची बना के पेन के अंदर डाल लो, 100 तरीके बताता है। तो माइंड इज मोस्ट पावरफुल टूल इन योर बॉडी। तो हमें क्या करना है, इस माइंड को ट्रेन करना है, ट्रेन करना है कि ये सोचना शुरू करे, जो चीज देखे उसी को सोचे। जैसे आपने, मैं अभी बातचीत कर रहा हूं, तो आप जो है सोचो तुरंत कि जो है ये अजय कुमार सिंह ऐसी कौन सी चीज बता रहे हैं यार, ये क्यों सोचने को कह रहे हैं, ये क्यों कह रहे हैं मुझे सोचने को। आप ये सवाल अपने आप से पूछो कि वाई अजय कुमार सिंह आस्किंग टू थिंक, देखो आपका दिमाग भी 4 कारण बताएगा कि इसलिए कह रहे हैं सोचने को। माइंड को ट्रेन करो टू फेस चैलेंज। सामान्य तौर पे क्या होता है कि हम लोग, जो आदमी हमें फैसिलिटेट करता है, हम उसके मुरीद हो जाते हैं। जैसे कोई आदमी आए और हमें खाना बना के दे जाए, हम कहेंगे कि यार देखो वो कितने अच्छे इंसान थे, हमारे मुसीबत के टाइम में, कोरोना काल में हमको खाना आके दे जाते थे। लेकिन इससे हमारी माइंड, इससे हम ट्रेन नहीं हुए, ये हमारी समस्या का निराकरण नहीं हुआ। अगर कोई बंदा ऐसा है जो इस समय में चैलेंज पुट अप कर दे और हम अपने माइंड को जो है उस चैलेंज को फेस करने के लिए ट्रेन बना दे, ट्रेंड करें कि जैसे ही चैलेंज आएगी हमारा दिमाग काम करना शुरू कर देगा कि अब ये बताओ कि इस समय तो कुछ नहीं हो सकता है, मार्केट खुला नहीं है, व्हाट आई कैन डू। आपको आपका माइंड 20 तरह की डिशेस बताएगा, यू कैन कुक दिस, यू कैन कुक दिस, यू कैन कुक दिस, यू कैन। आप माइंड को सिर्फ चैलेंज फेस करने का आदती बना दीजिए, उसकी आदत डाल दीजिए, आपको सलूशन देना शुरू कर देगा। आप उससे बोलो कि मेरे क्लास के बच्चे जोड़ नहीं कर पा रहे, हासिल वाला जोड़ नहीं कर पाते, मुझे क्या करना चाहिए। आप देखोगे कि आपका माइंड आपको 20 तरीके बताएगा, डू दिस डू दिस डू दिस डू दिस। अब आप उनमें से जो आपको रिस्क लेने लायक लग रहा हो आप ले लीजिए, आप उसको एक्सपेरिमेंट कीजिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो बने बनाए सॉल्यूशंस हैं, जो पढ़े पढ़ाए सॉल्यूशंस हैं, जिनको किताबों में पढ़ा हुआ है, उनको लेकर के क्लासरूम में चले जाते हैं और उन क्लासरूम में जाते हैं और उन्हीं जो पढ़े लिखे, जो आपने बहुत सारी थ्योरीज पढ़ के आए होंगे बीएड में, एमएड में, बीटीसी में, और उनको क्लासरूम में अप्लाई करना शुरू कर देते हो, आप फेल कर जाते हो। क्यों फेल कर जाते हो, क्योंकि आपने उनको इवेलुएट ही नहीं किया हुआ है कि ये जो है आपने अपने माइंड से बोला ही नहीं है कि इनमें से कौन सी स्ट्रेटजी मेरे क्लास के काम की है। आप अपने माइंड से कहो कि मुझे ये बताओ कि इनमें से कौन सी स्ट्रेटजी है जो मेरे काम की है, तो आपका माइंड तुरंत एनालिसिस करेगा और आपको स्ट्रेटजी बता देगा। आप अपने माइंड से सवाल पूछते रहो, जितने सवाल पूछोगे ये आपको उतने आंसर देगा। आप जो है उसमें इफ एंड बट लगा के सवाल पूछो, फिल्टर करके सवाल पूछो, है ना। आपको कि पहली कंडीशन तो ये है कि बच्चा जो है नेत्रहीन है, दूसरी कंडीशन ये है कि बच्चा सुन नहीं पाता है, तीसरी कंडीशन ये है कि बच्चा बोल नहीं पाता है, अब मुझे बताओ इसको कैसे पढ़ाएंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं इसके बाद भी आपका माइंड कहेगा यूज टच, है ना, स्पर्श का प्रयोग कीजिए और स्पर्श का प्रयोग करके इस बच्चे को सिखा दीजिए, ये अपना जीवन यापन सीख जाएगा। आप अपने दिमाग से जैसे ही सवाल पूछोगे उत्तर देगा। आप पूछोगे नहीं, आप हम बोलेंगे कि आपने इस बच्चे को कुछ नहीं सिखाया, आप कहेंगे जी साहब क्या बताएं, बड़ी विडंबना है, इसके ऊपर भगवान का प्रकोप है, बहुत दुर्भाग्यशाली बच्चा है, इसको दिखाई नहीं देता है, ये बोल नहीं पाता है, ये जो है इसके हाथ पैर काम नहीं करते हैं, साहब ये बच्चा तो जो है
भगवान की कृपा से ऐसे ही है, ऐसा नहीं है। आप अपने दिमाग से सवाल तो पूछो यार, मैं क्या कर सकता हूं इस बच्चे के लिए। दिस इज योर जॉब, दिस इज ट्रेनिंग। SCERT यूपी इस ट्रेनिंग की बात कर रहा है। हम उस पहले जो बातचीत कर रहे थे उस ट्रेनिंग को हमने वहीं पे कहा था कि वी आर नॉट गोइंग टू ट्रेन लाइक ए पेट, है ना। पेट ट्रेनिंग नहीं करनी है, ट्रेनिंग ऑफ माइंड ये करना है हमको। ट्रेनिंग माइंड टू इवॉल्व न्यू सॉल्यूशंस, है ना। ट्रेनिंग हमें माइंड की करनी है, नए सॉल्यूशंस खोज के लाओ, है ना, नई नई परिस्थितियां खोज के लाओ। जब हम यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं तो हम ये चीजें फोर्स करते हैं, है ना। और यही चीजें जो है आपकी ड्राइव की ट्रेनिंग में दिखाई देनी चाहिए। ट्रेनिंग माइंड टू थिंक, ट्रेनिंग माइंड टू फेस चैलेंज, ट्रेनिंग माइंड टू आस्क क्वेश्चन एंड ट्रेनिंग माइंड टू इवॉल्व न्यू सॉल्यूशंस। और मैं आपको जो है एक चीज इसी के साथ बताना चाह रहा हूं कि मैंने भी जो है आपकी ट्रेनिंग, जो आज का इंडक्शन ट्रेनिंग था, मैंने कल तक कोई तैयारी नहीं की थी। मैंने ये सवाल अपने दिमाग से पुट किया आज सुबह कि मुझे आपसे क्या कहना चाहिए। मैं ट्रेनिंग का पक्षधर नहीं हूं, मैं पेट्स की तरह ट्रेनिंग का पक्षधर नहीं हूं। टेल मी समथिंग, हम ऐसा क्या करते हैं अपने जीवन में जो मैं अपने लोगों को बता सकता हूं। मेरे दिमाग ने कहा तुम ये चार चीजें करते हो, यही चार चीजें तुम बता दे। सो दिस इज माइंड। सो मैं इस चीज पे बार बार फोकस करूंगा, ट्रेनिंग इज नॉट बिहेवियर चेंज, ट्रेनिंग इज ट्रेनिंग ऑफ माइंड। और ये हम सबको करना है, मिलके करना है, तभी हम डाइट और SCERT की जो है ख्याति बढ़ा सकते हैं, अपनी ख्याति बढ़ा सकते हैं और बच्चों के लर्निंग आउटकम्स को इंप्रूव कर सकते हैं। नाउ द पॉइंट इज हाउ टू ट्रेन माइंड, है ना। आप कई बार कहोगे कि साहब माइंड को ट्रेन कैसे करें, कुछ चाहिए ना ट्रेनिंग करने के लिए, माइंड को ट्रेन करने के लिए क्या करें। तो मैंने इस पे जो है चार पांच चीजें आपके लिए निकाल के रखी हुई है ना। ट्रेन माइंड टू ऑब्जर्व एंड कलेक्ट डेटा। सबसे पहला काम होता है आप अपने माइंड को ट्रेन करो कि वो इस एनवायरमेंट को देखे, देख करके उसको ऑब्जर्व करे। ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ऑब्जर्व करके डेटा कलेक्ट करो ना, है ना। जैसे आपको दिखाई देगा कि जो है नीम का पेड़ कितनी तेजी से बढ़ता है, आम का पेड़ कितनी तेजी से बढ़ता है, है ना, जो है गाड़ियां कितनी तेजी से चलती हैं, किस सड़क पे कितनी गाड़ियां तेज चलती हैं, है ना, कौन बच्चा तेजी से सीखता है, कौन बच्चा कैसे सीखता है, ये ऑब्जर्वेशन है। इस दुनिया को आप देखेंगे जितने भी नई रिसर्चेज हुई है दे आर ऑल रिजल्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। केपलर्स लॉ, न्यूटन्स लॉ, आर्कमिडीज लॉ, है ना, जितने भी लॉज पढ़ोगे, लेंस लॉ, बोर्ड्स लॉ, है ना, मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूं, इसी तरह से जो है केमिस्ट्री में जितने भी लॉज हैं, है ना, केमिकल रिएक्शन के जितने लॉज हैं, दे आर ऑल कम फ्रॉम ऑब्जर्वेशन। सोशल साइंस के भी जितने नियम हैं, मैं सोशल साइंस के नियम थोड़े कम जानता हूं इसलिए मैं उदाहरण नहीं दे पा रहा हूं, बट वो सब भी ऑब्जर्वेशन से आए हैं, है ना। एवरीथिंग कम्स फ्रॉम ऑब्जर्वेशन। तो आप अपने माइंड को ट्रेन करो, इस दुनिया में जहां पे जाएं ऑब्जर्व करें। जैसे हमारे यहां मैथ्स की ट्रेनिंग होती है तो हम लोग कहते हैं कि इस कमरे में देखो मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स कितने दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं दो चार चीजों को देखते हैं और कहते हैं साहब हमें एक स्क्वायर दिखाई दे रहा है, और साहब घड़ी दिखाई दे रही है, और साहब ये दिखाई दे रहा है। जबकि आप अपने कमरे में देखोगे या इस समय जिस कमरे में बैठ करके आप ये ट्रेनिंग ले रहे हो, आप देखो आप मैथमेटिक्स के कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट्स हैं, इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट्स आर देयर इन योर रूम। तो अगर आप देख पा रहे हो तो मजा आने लगेगा। यही ट्रेनिंग है, माइंड को आपने ट्रेन कर लिया, जिस चीज को देखेंगे उसी में गणित दिखाई देगी, जिस चीज में देखेंगे उसी में विज्ञान दिखाई देगी, जिस चीज में देखेंगे उसी में इतिहास नजर आएगी। इतिहास जो है हर चीज का अपना इतिहास है। आपके आप जिस कुर्सी पे बैठे होंगे, जिस कुर्सी पे बैठ करके आप ये क्लास अटेंड कर रहे हो, उस कुर्सी का अपना इतिहास होगा। आप जिस कमरे में बैठे होंगे उस कमरे का अपना इतिहास होगा। लोग बताएंगे कि मेरे पहले इस कमरे में मिस्टर झा बैठा करते थे,
और उससे पहले वो 3 साल बैठे, उससे पहले इस कमरे में मिस्टर जो है संखवार बैठा करते थे, इस कमरे में इससे पहले फलाने बैठा करते थे, इस कमरे का जो है निर्माण वर्ष 1972 में हुआ था, व्हाट इज दिस, दिस इज हिस्ट्री। तो एवरीवेयर जहां पे जो सब जिस सब्जेक्ट की ट्रेनिंग दे रहे हो, अपने टीचर्स को ट्रेन करो, अपने बच्चों को ट्रेन करो टू ऑब्जर्व, ट्रेन योर माइंड टू ऑब्जर्व। हिस्ट्री पढ़ा रहे हो, हर चीज की हिस्ट्री दिखाई देनी चाहिए। गणित पढ़ा रहे हो, हर चीज की गणित दिखाई देनी चाहिए। साइंस पढ़ा रहे हो, हर चीज में साइंस दिखाई देनी चाहिए। दिस इज ट्रेनिंग ऑफ माइंड। अगर आप माइंड को ट्रेन नहीं कर पाए टू ऑब्जर्व एंड कलेक्ट डेटा, तो सारी ट्रेनिंग बेकार है। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि हेल्थ एंड हाइजीन की ट्रेनिंग हम करा रहे, तो आपको हर एक पॉइंट पे हेल्थ एंड हाइजीन दिखाई देना चाहिए। आपको हर चीज इंपॉर्टेंट लगनी चाहिए हेल्थ एंड हाइजीन के दृष्टिकोण से। आपको लगना चाहिए इनकी आवाज बहुत तेज है, ये हेल्थ एंड हाइजीन के लिहाज से उचित नहीं है, ये इनकी जो है जो इनका खान पान है वो हेल्थ एंड हाइजीन के लिहाज से अच्छा नहीं है, ये जो हमारी स्क्रीन है, जो लैपटॉप स्क्रीन है या मोबाइल स्क्रीन है, ये हेल्थ एंड हाइजीन के हिसाब से अच्छी नहीं है। तो आपका दिमाग क्या होना चाहिए, माइंड को ट्रेन करो टू ऑब्जर्व। जो भी जिस चीज की ट्रेनिंग दे रहे हो, उस चीज को देख पाए, उस चीज को समझ पाए, ऑब्जर्व कर पाए, दिस इज ट्रेनिंग। दूसरा है, और कैसे करेंगे, थ्रू सेंस ऑर्गन्स, है ना, सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल करिए। भगवान ने 5 सेंस ऑर्गन आपको दिए हुए, यूज योर आईज टू ऑब्जर्व, यूज योर ईयर टू ऑब्जर्व, यूज योर स्मेल, स्मेल टू ऑब्जर्व, है ना, स्मेल को भी ये ऑब्जर्वेशन टूल है। हम लोग इसको जो है बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, स्मेल। नोज, नोज इज मोस्ट पावरफुल टूल टू ऑब्जर्व। आप इसी से पता करते हो कि ये भोजन खाने योग्य है कि नहीं है। और इसके बाद आता है कि आपकी टंग, टंग भी क्या है, ये भी ऑब्जर्वेशन टूल है, ये आपको बताती है कि ये खाना स्वादिष्ट था कि नहीं। और उसी के सेंस के आधार पे ढेर सारे एंजाइम्स आपके बॉडी में जाते हैं। अगर वो सेंस ना करे तो एंजाइम्स आपकी बॉडी में नहीं जाएंगे, आपका पाचन तंत्र खराब हो जाएगा। इसी तरह से टच इज ऑल्सो ए ऑब्जर्वेशन टूल, यू कैन यूज योर टच एज एन ऑब्जर्वेशन टूल। और इन सब ऑब्जर्वेशन 5 टूल्स की मदद से आप ढेर सारा डेटा इकट्ठा कर सकते हो। और इस ढेर सारे डेटा, जब जितना ज्यादा डेटा होता है उतनी अच्छी एनालिसिस होती है। तो आप अपने माइंड को ट्रेन करो कि भाई ये 5 ऑब्जर्वेशन टूल जब भी कुछ कहें, जब भी कुछ ऑब्जर्व करें, मेरे माइंड में भेजो तुरंत उनको, आई वुड लाइक टू एनालाइज देम। दिस इज ट्रेनिंग ऑफ माइंड, दिस इज ट्रेनिंग जिसकी हम लोग यहाँ आज बात करने के लिए बैठे हुए। लाइब्रेरीज, है ना, बहुत सारा पुराना ज्ञान है, उसको प्राप्त करो, उसको प्राप्त करके अपने माइंड में ले जाओ, है ना, देखो वो कितना काम का है, कितना काम का नहीं है, किस जगह काम का है, किस जगह काम का नहीं है। ऑनलाइन मटेरियल बहुत सारा अवेलेबल है, उसको देखो, है ना, क्योंकि एवरीथिंग यू कैन नॉट सेंस, है ना, देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस टू, क्योंकि हमारे पास 5 सेंस हैं बस, इसके अलावा सेंसेस नहीं है। तो हमें क्या करना है, बहुत सारे सेंसेस होते हैं जो हम जिसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सेंसेस होते हैं, हम सेंस करते हैं बट पहले उस डेटा को किसी और चीज में कन्वर्ट करके करते हैं। सेकेंडरी सेंसेस में आता है लाइब्रेरी, ऑनलाइन मटेरियल, ओल्ड एक्सपीरियंसेस जो अलग अलग फॉर्म में हमारे पास है, एंड टेकिंग रिस्क एंड एक्सपेरिमेंटिंग, है ना, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आज तक हुई नहीं है, आज तक हुई नहीं है। हमें रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए अगर हमें कुछ नया ऑब्जर्व करना है। नया ऑब्जर्वेशन करने के लिए रिस्क लेना है, एक्सपेरिमेंट करना है। यहाँ पे एक क्लॉज है कि अपने हेल्थ और हाइजीन का ध्यान रखते हो, है ना, अपनी हेल्थ और हाइजीन का ध्यान रखते हुए रिस्क लेने को कह रहा हूं। ऐसा नहीं बाद में कहो कि साहब अजय कुमार सिंह जी ने कहा था तो मैंने रिस्क ले लिया, नहीं, रिस्क आप लीजिए, है ना। आप जो है, हमें अगर न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना होता है तो हम जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, अल्फा रे माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, वहां हम अपनी आईज का इस्तेमाल नहीं करते, क्यों, हमारी आईज डैमेज हो जाएंगी। इसी तरह लाइफ में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं,
जो हमें करने हैं, रिस्क लेनी है अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को देखते हुए. दिस इज ऑल टू ट्रेन योर माइंड टू ऑब्जर्व एंड कलेक्ट डेटा. तो अगर आप ये काम कर लेते हैं ना, तो अगर देन यू कैन एनालाइज द थिंग्स, यू कैन एनालाइज व्हाट एवर यू हैव इन योर माइंड, और उसको एनालाइज करके आप जो है नई नई चीजें निकाल सकते हो, नए नए तरीके निकाल सकते हो. आप जो है, जो हम पहले एम्पावरमेंट की बात कर रहे थे, आप लर्निंग के थ्रू एक एम्पावर्ड टीचर होगे, लर्निंग के थ्रू एक ऐसे टीचर होगे जो सक्सेसफुल टीचर होगे, लर्निंग आउटकम देने वाले टीचर होगे, बेस्ट लर्निंग आउटकम वाले टीचर होगे. तो जो पीछे चीजें हमने अभी बात की थी, जिस तरह से हम आपको बताना चाहते थे, जैसे आपको बनाना चाहते थे, वैसे आप टीचर होगे, एक है ना बेटर आउटकम्स वाले टीचर होगे आप. सो दिस इज है ना एक लर्निंग वाले टीचर होगे, मोटिवेटेड टीचर होगे. सो ये जो पीछे हमने बातें की हैं, वैसे आप एक अच्छे टीचर एजुकेटर बनेंगे. दीज आर सम कोर्सेज जिसके हम मॉड्यूल्स आपके साथ साझा करेंगे, जिनके अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे, जिनकी हम लोग बातचीत कर रहे थे. अर्ली ग्रेड रीडिंग राइटिंग हिंदी, अर्ली ग्रेड न्यूमरेसी, अर्ली ग्रेड ट्रेनिंग, अर्ली ग्रेड टीचिंग ट्रेनिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज, हेल्थ एंड हाइजीन, इंक्लूसिव एजुकेशन, योगा, आर्ट क्राफ्ट, पपेट्री एंड म्यूजिक, साइंस ट्रेनिंग, ईवीएस ट्रेनिंग, सोशल साइंस, मैथ्स ट्रेनिंग, इथिक्स वैल्यूज, स्कूल लीडरशिप, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, फरोगे तालीम, देर आर मैनी मोर्स. मैंने ये 10-15 जो मेरे पास इस समय एक पीपीटी में पड़े हुए थे, वो मैंने आपके साथ साझा किए हुए हैं. लर्निंग आउटकम इसमें छूट गया है, तो देर आर मैनी मोर. तो ये जो है ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं जो कि अभी हम लोगों ने बनाए हुए हैं. तो अभी जो है और ये सारे के सारे एससीईआरटी की वेबसाइट पे हैं. हमने जो है, क्योंकि हमारा फोकस ये था कि हम ट्रेनिंग, जो इन सर्विस ट्रेनिंग के जो मॉड्यूल्स हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर बातचीत करेंगे, बट हमने इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर बातचीत करने के बजाय, जो हमारी ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव था, जो आपके बिहेवियर चेंज की बजाय आपको एक अच्छा टीचर एजुकेटर बनाए, एक माइंड को ट्रेन करने के लिए, आपको एक अच्छा टीचर एजुकेटर, एक अच्छा ट्रेनर बनाने के लिए जो चीजें जरूरी थी, उस पर हमने बातचीत करना उचित समझा. इस पीपीटी में हमने आपको अलग अलग जो हमारे कुछ मॉड्यूल्स हैं, उसका हमने आपको लगाया हुआ है. हमने सोचा था अगर समय होगा तो इस पर बातचीत करेंगे, बट अभी 12 बजे से एक मीटिंग है, तो अब हम कोई इसको यहीं पे समाप्त करते हैं, और ये पीपीटी अभी हम आपके साथ साझा कर देंगे. तो इन सब बातों के साथ जो है, अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ. धन्यवाद, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. अगर किसी का कोई सवाल हो तो सवाल पूछने के लिए, तो हालांकि एससीईआरटी में हूँ, तो आप जो है सवाल मुझसे कभी भी पूछ सकते हो. यू आर ऑलवेज वेलकम कि आप मुझसे, मेरे, आप सबके पास मेरा पर्सनल नंबर है, जो CUG नंबर है वो सबके पास है, एवरीवन हैज दिस नंबर. तो आप लोग आराम से हमसे अभी भी पूछ सकते हो, और उस समय भी पूछ सकते हो. तो ऐसा नहीं है कि आप, मतलब नाउ यू आर फ्री कि आप कभी भी हमसे पूछ सकते हो. तो इसी सब बात से जो है, एक तो नहीं होना, ओके. सो थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली. थैंक यू एवरीवन.